हेलो नमस्ते, इसमें विक्रमादित्य एंड यू आर वाचिंग सी एस स्टडी हब। आज के वीडियो में अपने जानने वाले हैं कि कौन सा मटेरियल स्टडी मटेरियल अप्लीकेबल होने वाला है या आरटीपी अप्लीकेबल होने वाला है नवंबर 2020 एग्ज़ाम के लिए। ये न्यू सिलेबस के लिए वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ICA का अनाउंसमेंट है। कब का अनाउंसमेंट है? 16 जून 2020 का अनाउंसमेंट में क्या है? एप्लीकेबल स्टडी मटेरियल फॉर नवंबर 2020 एग्ज़ाम्स। तो कौन सा मटेरियल एप्लीकेबल होने वाला है हम लोग को नवंबर 2020 एग्ज़ाम के लिए, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट आया हुआ है। हम लोग इंटरमीडिएट कोर्स के लिए चलते हैं। इंटरमीडिएट में क्या न्यू स्कीम? तो ये IPCC वालों का नहीं है, जो न्यू स्कीम है उनके लिए है। तो जो भी सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग हो, कॉरपोरेट एंड टैक्स हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट हो, टैक्सेशन हो, एडवांस अकाउंटिंग हो, इस तरह से ऑडिटिंग हो, या SSM हो, फिर वो क्या हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, तो कोई भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट में हम लोग को जुलाई 2019 का क्या चाहिए? स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल हम लोग को जुलाई 2019 का प्रिंट का स्टडी मटेरियल हम लोग को चाहिए, और उसके साथ RTP हम लोग को नवंबर 2020 का RTP करना है। उसके साथ हम लोग को नवंबर 2020 का RTP करना है। बट टैक्स के लिए अगस्त 2019 में आया था स्टडी मटेरियल। टैक्स के लिए अगस्त 2019 में स्टडी मटेरियल आया था। उसके साथ कुछ भी अगर स्टैटटरी अपडेट आया हुआ, स्टैटटरी अपडेट हो, या RTP तो हम लोग को करना ही है नवंबर 2020 का, तो स्टैटटरी अपडेट हो तो वो भी हम लोग को करना है। आगे अकाउंट्स के लिए चैप्टर 8 जो हुआ है रिवाइज हुआ है, तो हम लोग को चैप्टर 8 का भी करना है। तो इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट हैं हम लोग को सारे में जुलाई 2019 का स्टडी मटेरियल करना है, एक्सेप्ट फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन में अगस्त 2019 का स्टडी मटेरियल करना है। उसके साथ RTP नवंबर 2020 का करना ही करना है हम लोग को। आगे क्या है दे रखा हुआ है कि अकाउंट्स में जो है चैप्टर 8 रिवाइज जो है उसको भी करना है, और रिवाइज, और फिर उसके बाद क्या है, लॉ में भी मतलब कुछ चेंजेस हैं, उसके लिए आपको ये लिंक रहा, यहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर जो चेंजेस हैं वो जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को जुलाई 2019 का क्या है, स्टडी मटेरियल करना है। RTP नवंबर 2020 का करना है। टैक्सेशन के लिए अगस्त 2019 का RTP, अगस्त 2019 का स्टडी मटेरियल, RTP नवंबर 2020 का करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। उससे क्या होगा, उनका भी हेल्प हो जाएगा और मेरा भी हेल्प हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ जा करके शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो देखना चाहते हैं न्यू सिलेबस के लिए, तो एक एक इलस्ट्रेशन और बैक क्वेश्चन ये सब सारा दे रखा होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, CA स्टडी हब और प्लेलिस्ट जाकर के चेक करना है। दूसरा ये हो गया कि अगर आप लोग लॉ का सेक्शन नंबर लर्न करना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में है, तो जाइए जाकर के वहाँ से लर्न कर सकते हैं सेक्शन नंबर लर्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये लिख करके ही आना है, तभी आप लोग को अच्छा मार्क्स मिलेगा। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एडवांस अकाउंट का भी वीडियो आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, फ्रेंड के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। ये धन्यवाद।